हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ, आपका डिजिटल गाइड। आज मैं आप लोग के लिए इंग्लिश के कुछ ऐसे ट्रेंडी सेंटेंसेस लाया हूं जिन्हें सीखकर आपको इंग्लिश बोलने में बहुत आसानी होगी। ट्रेंडी का मतलब होता है जो आजकल चलन में है, आजकल जो शब्द ज़्यादा बोले जाते हैं, जो सेंटेंसेस, उन सेंटेंसेस को लेकर आया हूँ। जैसे कि दाल में कुछ काला है, इसको हिंदी में तो हम बोलते हैं आमतौर पर, ये चलन में बोल देते हैं दाल में कुछ काला है। इसको इंग्लिश में बोलने के टाइम हम थोड़ा सा हेजिटेट हो जाते हैं, जब हमको पता नहीं होता है इंग्लिश में क्या बोलेंगे। जैसे किसी बात पर पार्टी दो बनती है, तो इसी बात पर एक कप चाय हो जाए, ऐसे इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आज हम सीखेंगे। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला है से स्टार्ट करते हैं। दाल में कुछ काला है, ये हिंदी में आम चलन की भाषा है, हम लोग हमेशा बोलते हैं आम चलन में बोलते हैं। लेकिन इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं समथिंग इज फिशी। अभी आप वर्ड टू वर्ड सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे तो आपको अलग लगेगा, लेकिन ये फ्रेज है इसलिए इसका मीनिंग यही होता है। दाल में कुछ काला है को इंग्लिश में बोलते हैं समथिंग इज फिशी। दाल में कुछ काला है को इंग्लिश में बोलते हैं समथिंग इज फिशी। नेक्स्ट सेंटेंस है, पार्टी तो बनती है। पार्टी तो बनती है आम चलन की भाषा है, आप हम सब इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों का बर्थडे हो, या कोई एग्जाम का रिजल्ट आया हो, या नया घर लिया हो, या नए घर में शिफ्ट होते हो, हर एक ओकेजन पे ऐसा हम बोल देते हैं पार्टी तो बनती है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं अ पार्टी इज अ मस्ट। अ पार्टी इज अ मस्ट। अगला सेंटेंस है, इसी बात पर एक कप चाय हो जाए। इसी बात पर एक कप चाय हो जाए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ज़्यादातर फैमिलीज में हम बैठे रहते हैं, बातचीत होती रहती है, तो ऐसा कोई ना कोई एक्शन बोल देता है इसी बात पर एक कप चाय हो जाए, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसी बात पर एक कप चाय हो जाए को इंग्लिश में बोलेंगे दिस कॉल्स फॉर अ कप ऑफ टी। दिस कॉल्स फॉर अ कप ऑफ टी। अगला सेंटेंस है, बोलो चीज़। आप अभी ये बोलो चीज़ तो बोलेंगे, लेकिन ये ट्रेंडी है, चलन में है। जब हम लोग कैमरे से फोटो लेते हैं तो ज़्यादातर कुछ लोगों को आपने सुना होगा बोलते होंगे से चीज़, तो बोलो चीज़ को ही इंग्लिश में से चीज़ बोलते हैं। ये ट्रेंडी है, कैमरा फोटो खींचने का टाइम ऐसे ओकेजन पे हम बोलते हैं से चीज़, तो सब लोग फोटो खींचते हैं, तो से चीज़ बोलो चीज़। ओके, अगला सेंटेंस है, क्या कहा। ज़्यादातर हम लोग बातचीत में पूछते हैं, अगर नहीं सुन पाए या फिर पूछना हो क्या कहा, ऐसे हम बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? से व्हाट। क्या कहा? से व्हाट। अगला सेंटेंस है, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही कहा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेल सेड। आपने कई बार सुना होगा, लेकिन अगली बार से आप भी इस्तेमाल करेंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल सही कहा को इंग्लिश में बोलते हैं वेल सेड। अगला सेंटेंस है, जो तुम कहो। कई बार आम बातचीत में हम लोग ऐसा बोलते हैं, अपने दोस्तों से ही बोलते हैं किसी भी बातचीत को, जो तुम कहो वो करता हूँ, तो ऐसी चीज़ों को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वॉट एवर यू से। क्या बोलेंगे? वॉट एवर यू से। कई बार हम बातचीत में ऐसा होता है कि हमको बिलीव ही नहीं होता है, तो हम अपने दोस्त को बोलते हैं तुम पक्का मजाक कर रहे हो, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तुम पक्का मजाक कर रहे हो को इंग्लिश में बोलेंगे यू मस्ट बी किडिंग। क्या बोलेंगे? यू मस्ट बी किडिंग। अगला सेंटेंस है, बेचारा पवन। जैसे आम बातचीत में हम लोग ऐसे बोलते हैं किसी को, बेचारा मतलब ऐसे बोलते हैं, बेचारा बेचारा ऐसा हो गया, या किसी भी आम बातचीत में हम ऐसा बोलते हैं बेचारा पवन, बेचारा राहुल, बेचारा ओम, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? पुअर राहुल, पुअर ओम, पुअर पवन। इसको ये एक फ्रेज है, बेचारा पवन को इंग्लिश में बोलेंगे पुअर पवन, पुअर राहुल, पुअर ओम। अगला सेंटेंस है, कुछ तो रहम करो। कुछ तो रहम करो हम लोग आम बातचीत में ही बोलते हैं, बहुत बार बोलते हैं अपने फादर से, अपने मॉम से, ऐसे नॉर्मल कभी भी बोल सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो हम लोग चलन में यूज़ करते हैं। इसको इंग्लिश में अगर बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? कुछ तो रहम करो, कुछ तो रहम करो को इंग्लिश में बोलेंगे हैव अ हार्ट। क्या बोलेंगे? हैव अ हार्ट। कुछ तो रहम करो को इंग्लिश में बोलेंगे हैव अ हार्ट। बहुत सारे यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऐसा बोलते हुए मिल जाते हैं, जरूरत मतलब जिनको ज़रूरत होती है वो बोलते हैं कि आप ये ऐप डाउनलोड फ्री में कर सकते हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू कैन डाउनलोड ऐप फॉर फ्री। यू कैन डाउनलोड ऐप फॉर फ्री। अगला सेंटेंस है, मैं पिज़्ज़ा को ना तो बोल ही नहीं सकता। ये जो मैं ट्रेंडी सेंटेंस सिखा रहा हूँ ना, उसके साथ साथ ये भी बहुत ट्रेंड है। आजकल बच्चों को फास्ट फूड खाना बहुत पसंद है, तो लोग बोलते हैं पिज़्ज़ा को मैं ना बोल ही नहीं सकता। ऐसे मेरे कुछ दोस्त भी हैं, एक है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरा एक दोस्त है जो बोलता है मैं पिज़्ज़ा को कभी ना बोल ही नहीं सकता, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई वुडंट से नो टू अ पिज़्ज़ा।
आई वुडंट से नो टू अ पिज्जा, मैं पिज्जा को ना बोल ही नहीं सकता, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई वुडंट से नो टू अ पिज्जा, आई वुडंट से नो टू अ पिज्जा। अगला सेंटेंस है जो मुझे सही लगता है मैं वो करता हूँ, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने पानी पिया तो मेरा ये यहाँ पे शर्ट थोड़ा सा गीला हो गया, तो मेरी टीम मुझे बोली थी सर थोड़ा रुक जाते हैं उसके बाद शूट करते हैं, लेकिन मैंने उनको बोला जो मुझे सही लगता है मैं वो करता हूँ। अब इसको इंग्लिश में आप लोग कैसे बोलेंगे, आई फॉलो माई नोज, क्या बोलेंगे, आई फॉलो माई नोज। अगला सेंटेंस है वो मेरा मजाक बना रहा था, ये शब्द आपको बहुत काम आने वाला है, कई बार कंप्लेन करते हैं या कोई किसी को हम बताते हैं कि वो मेरा मजाक बना रहा था, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वो मेरा मजाक बना रहा था को इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज मोकिंग मी, क्या बोलेंगे, ही वॉज मोकिंग मी। अगला सेंटेंस है अपनी डीपी बदल लो ये अच्छी नहीं है, जैसे मैंने आज ही मेरे एक दोस्त को सुबह में बोला अपनी डीपी बदल लो ये अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने इंग्लिश में बोला, तो इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे, चेंज योर डीपी इट्स नॉट अ गुड वन, चेंज योर डीपी इट्स नॉट अ गुड वन, मेरा मूड खराब मत करो, मेरा मूड खराब मत करो को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डोंट स्पॉइल माई मूड, क्या बोलेंगे, डोंट स्पॉइल माई मूड, अपना मुंह मीठा करो, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्वीटन योर माउथ, क्या बोलेंगे, स्वीटन योर माउथ। अच्छे ओकेजन पे हम ऐसा बोलते हैं अपना मुंह मीठा करो, अपना मुंह मीठा करो को इंग्लिश में बोलते हैं स्वीटन योर माउथ। अगला सेंटेंस है थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करो को इंग्लिश में बोलेंगे वेट फॉर अ व्हाइल, क्या बोलेंगे, वेट फॉर अ व्हाइल। अगला सेंटेंस है क्या सब ठीक है, क्या सब ठीक है, ऐसा ज़्यादातर हम हाल समाचार पूछने के टाइम ऐसा पूछते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इज़ एवरीथिंग ओके, क्या सब ठीक है, इज़ एवरीथिंग ओके। अगला सेंटेंस है समझने की कोशिश करो, हम लोग कई बार ऐसा बोलते हैं, तो ये तो नॉर्मल है, इसको इंग्लिश में आपने सुना भी होगा और इस्तेमाल भी करते होंगे, नहीं करते हैं तो सीखिए, समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो को इंग्लिश में बोलेंगे ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या बोलेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगला सेंटेंस है अपना इनबॉक्स चेक करो, अगला सेंटेंस है अपना इनबॉक्स चेक करो, इंडिया में मेल करने के बाद कॉल करके बोलना पड़ता है कि अपना इनबॉक्स चेक करो, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, चेक योर इनबॉक्स, क्या बोलेंगे, चेक योर इनबॉक्स। अगला सेंटेंस है मुझे आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा, अगर मुझे आपको ऐसा बोलना है या आपको किसी को भी बोलना है कि मुझे आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मुझे आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा, आई रियली लाइक योर प्रोफाइल, क्या बोलेंगे, आई रियली लाइक योर प्रोफाइल। अगला सेंटेंस है जब फ्री हो तो जवाब देना, अगला सेंटेंस है जब फ्री हो तो जवाब देना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज रिप्लाई व्हेन यू आर फ्री, प्लीज रिप्लाई व्हेन यू आर फ्री, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैन वी टॉक फॉर अ व्हाइल, कैन वी टॉक फॉर अ व्हाइल, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कैन वी टॉक फॉर अ व्हाइल। अगला सेंटेंस है क्या मैंने आपको डिस्टर्ब किया, अगला सेंटेंस है क्या मैंने आपको डिस्टर्ब किया, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिड आई डिस्टर्ब यू। अगला सेंटेंस है यह किसका नंबर है, कई बार अपने ही दोस्त किसी दूसरे के नंबर से कॉल कर देते हैं तो हमको ये पूछना रहता है कि ये किसका नंबर है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हुज नंबर इज दिस, क्या कुछ जरूरी काम है। कई बार हम मीटिंग्स में या कहीं बैठे रहते हैं और अपने दोस्त का बार बार कॉल आता है, तो हम उनको मैसेज ऐसा कर सकते हैं या कॉल उठा के पूछ सकते हैं, डायरेक्ट क्या पूछते हैं, क्या कुछ जरूरी काम है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इज देयर एनीथिंग अर्जेंट। अगला सेंटेंस है मुझे आपका मैसेज मिला, इसको इंग्लिश में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे, आई गॉट योर मैसेज। अगला सेंटेंस है फ्री होकर कॉल करना, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कॉल मी वंस यू आर फ्री। अगला सेंटेंस है क्या मैंने आपको सही समझा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिड आई गेट यू राइट। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछो, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।